ब्रेक परे स्वागत। भुवनेश्वर भरतपुर महावीर बस्ती हत्याकांडर पर्दाफाश होइछि। मुख्य अभियुक्त शेख फरीदकु नयागढ़ गिरफ्त करिछि कमिश्नरेट पुलिस। शेख फरीदर घर पश्चिमबंगरे, ओडिशारे से निज ना कार्तिक जेना बोली परिवर्तन करि रहुथला। भुवनेश्वर डीसीपी कहिछन्ति शेख फरीद उरफ कार्तिक जणे राजमिस्त्री। 22 वर्ष तळे फरीद ओडिशा आसीथला। प्रथमे कटकरे जणे महिलांकु विवाह करिथला, तांकर एक संतान अछि। एहा परे से भुवनेश्वर आसी ना बदलाई कार्तिक जेना भाबे रहुथला। आ भरतपुर बस्ती में संध्याराणी सेठी संपर्क स्थापन करथिला। संध्याराणी कार्तिकों सह मिसी मिस्त्री काम करथिला। उभयों मध्य प्रेम संपर्क गढ़ी उठा पर दुहें एकाठी रहुथिले। एकथा कार्तिकों प्रथम पत्नी जानिबा पर मामला बिगड़ जाइथिला। संध्याराणी संपर्क रखिथिबा कार्तिक कटक रहुथिबा प्रथम पत्नी पाखकु नियमित जाउथिला, जहाँ को नहीं संध्याराणी खप्पा थिले। कार्तिकर कारनामा जानिदेबारु संध्याराणी को बाटरु सफा करिबा पाई प्लान करथिला। कार्तिक योजना अनुसार भरतपुर महावीर बस्ती में एक घर भड़ा नहीं सेठारे संध्याराणी को स्त्रीर परिचय दे रखाई थिला। गत 3 तारीख राति में संध्याराणी सोथिबा बेले बेकरे ओढ़णी लगाई मारी देथिला कार्तिक। एहापरे कोलकाता पळाइथिला। ताकु पुलिस खोजुथिबा जाणी किसी दिन तले से नयागढ़ आसीथिला। प्रथमे जंगल रे रहुथिला, परे कंधमाल खसी जिबा उद्यम करथिबा बेले नयागढ़ बस स्टैंड रु कार्तिक को काबू करनेथिला कमिश्नरेट पुलिस। गत 7 सेप्टेम्बर रे भरतपुर थाना अंतर्गत महावीर बस्ती गोटे घर भितर जनेक महिला मृतदेह मिले कबाट बाहर पटु बंद थी सन्देहजनक अवस्था जेहेतु मृतदेह मिलता भरतपुर थाना गोटे मर्डर केस रुजु होता। अधिक तदंत द्वारा जमापड़ा जे शेख फरीद नामक जनक व्यक्ति निज नाम परिवर्तन करी कार्तिक जेना रखि परवर्ती समय सी कटक विवाह करते गोटे झील एवं पुहला संध्याराणी सेठी जहाँ स्वामी मृत्यु हो जाता और 8 वर्ष गोटे पुहला संध्याराणी को निज रास्तार हटेबापी जेहेतु बारंबार कली झगड़ा पारिवारिक लग रही निज रास्तार हटेबापी सीए संध्याराणी ओढ़णी द्वारा संध्याराणी तंटी चिपी हत्या करते आसी सी नयागढ़ जंगल किदिन लुचि रही एवं कंधमाल को पड़ेगी सेठारे बसवास करिवार योजना करूथिले। से जीवा समय रे भरतपुर पुलिस टीम तांकु नयागढ़ जिल्लारु धरिकी आणला एवं अधिक पचरा उचरा परे सी तांकर ए जो क्राइम रे निजर संपृक्ति एवं समस्त घटनावली स्वीकार करचंती।